हमारी दुनिया में कई शानदार जगहें हैं। रैबिट आइलैंड इन अद्भुत जगहों में से एक है। आज यह एक परित्यक्त निर्जन द्वीप है। आज की कड़ी में हम अद्भुत और एकांत खरगोश द्वीप का पता लगाएंगे, जो सैकड़ों खरगोशों के द्वीप का घर है। इस द्वीप का मूल नाम ओकुनोशिमा है। ये जापान के अंतर्देशीय सागर में एक छोटा सा द्वीप है। इसे तेखारा शहर हिरोशिमा प्रांत का हिस्सा माना जाता है। ये तादानोमी और ओमिशिमा से नौक द्वारा पहुंचा जा सकता है। द्वीप पर शिविर स्थल, पैदल मार्ग और ऐतिहासिक रुचि के स्थान हैं। ओकुनोशिमा ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन में किए गए अधिकांश रासायनिक युद्ध के लिए जहरीली गैस फैक्ट्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसो जापानी युद्ध तक द्वीप एक खेती वाला क्षेत्र था, जब इसकी रक्षा के लिए 10 किले बनाए गए थे। 3 मछुआरे परिवार द्वीप पर रहते थे। 1927 और 1929 के बीच द्वीप पर एक रासायनिक युद्ध सामग्री संयंत्र बनाया गया था और यह एक रासायनिक हथियार सुविधा का घर था, जो 6 किलोटन से अधिक मस्टर्ड गैस और आंसू गैस का उत्पादन करता था। द्वीप में वर्तमान में खरगोशों की एक बड़ी आबादी है। उनमें से कई खरगोशों के वंशज हैं, जब द्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक पार्क के रूप में विकसित किया गया था। युद्ध के दौरान खरगोशों का इस्तेमाल रासायनिक हथियारों के संयंत्रों में भी किया जाता था और रासायनिक हथियारों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उन खरगोशों को इच्छा मृत्यु दी जाती थी या जब कारखाने को नष्ट कर दिया जाता था तो उन्हें मार दिया जाता था। वे वर्तमान में द्वीप पर रहने वाले खरगोशों से संबंधित नहीं हैं। खरगोशों का शिकार करना मना है और कुत्तों और बिल्लियों को द्वीप पर जाने की अनुमति नहीं है। पुराने किलों के खंडहर और गैस कारखाने अभी भी पूरे द्वीप में मौजूद हैं, लेकिन प्रवेश प्रतिबंधित है क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। चूंकि यह जापान के इनलैंड सी नेशनल पार्क सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए यहाँ एक संसाधन केंद्र और एक संग्रहालय है। पॉइजन गैस म्यूजियम 1988 में खोला गया था और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जहरीली गैस के बारे में भयानक सच्चाई के बारे में सचेत करने के लिए स्थापित किया गया था। छोटा संग्रहालय केवल 2 कमरे बड़ा है और रासायनिक संयंत्र के निर्माण, काम करने की स्थिति और मनुष्यों पर जहरीली गैस के प्रभाव का एक बुनियादी अवलोकन प्रदान करता है। अधिकांश इमारतें जर्जर और जर्जर हैं, लेकिन फिर भी पहचानी जा सकती हैं। संग्रहालय मुख्य रूप से जापानी पर्यटकों के लिए लक्षित है, लेकिन प्रत्येक अनुभाग के लिए समग्र सारांश में अंग्रेजी अनुवाद प्रदान किए जाते हैं।